दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और चलिए आज हम लोग सफ़र करेंगे और नालंदा को। तैसे तो हम लोग आज का कल का ब्लॉग में आप लोग देख ही लिए, और आज नए ब्लॉग बिहार टूर का नए सीरीज स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। एनर्जी के लिए अभी फिलहाल मंगा लिए हैं दोस्तों अमूल कूल, और अभी पीते हैं इसी को, और पीते पीते रास्ते में चलते हैं। हम लोग चढ़ी नहीं, यही पार्क के बीच में का एक्सीडेंट हुआ था ना उसका, कर्ज में मर जाता है काली मैया के मंदिर के सामने। कर्ज में वो नदी वही बनाया गया है, आर्टिफिशियल सीन है वो। आर्टिफिशियल था वो, फिल्म सिटी में जो नदी से टकराता गिर जाता है ऋषि कपूर से ना, काली मंदिर को ना फिल्म। अब इधर से लग रहा है वो पहाड़ी वाला रास्ता फिर हमें अपनाना पड़ेगा। अब कितना किलोमीटर जैसे अंदर घुसे हम लोग, 5 किलोमीटर लगभग, ऐसे भी ट्रैफिक में ही 5 किलोमीटर घुस गए। अब यहाँ पर कांस्टेबल जो बोल रहे हैं कि उधर आगे जाना नहीं है, तो अभी हमारे फिर घुमाते हैं निकलते हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे थे तो भाई का एक सब्सक्राइबर मिल गया, जिसके कारण अभी गाड़ी यहाँ पे रोके हैं, और अभी हम लोग घूम के आ गए। इस रास्ते से अभी हम लोग को जाना होगा, तो अभी इधर से निकलेंगे रसद मांझी का रोड, हम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। जगह पड़ती है, अभी चलो हम लोग गाड़ी के थोड़ा सा खड़ा करते हैं और इधर से थोड़ी सी घूम लेते हैं इधर के बारे में, और जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं खास करके वो तो पहले था ही, लेकिन मूवी जब बना था तब से इतना हॉट टच हुआ मेरा, तो बोले जाएंगे ही एक दिन। तो आज फाइनली वो ये वाला पूरा पहाड़ तोड़ा था ना, ये रास्ता जो कि देख रहे, ये रास्ता बहुत दिनों से सोच के रहा था। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ दशरथ मांझी का वो मार्ग पे, जिसमें दशरथ मांझी ने एक छैनी एक हथौड़े से ये पूरे पर्वत को काट के 30 फीट का रास्ता बना दिया, ऊंची जो पहाड़ी थी उसे काट करके पूरा इसे मार्ग बना दिया। जो कि कहा गया कि दोस्तों इससे उसकी पत्नी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण से वो इस रास्ते से लेके जा रहा था पहाड़ी से, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस गाँव में रास्ते का थोड़ा सा प्रॉब्लम जब हो रहा था, तो उसने इस पहाड़ी को पूरा काट करके कि दूसरे व्यक्ति को इसी तरह का परेशानी ना झेलना पड़े, तो उसने इस पहाड़ को काट के पूरा। इस रास्ते पे दोस्तों कितने सारे लोग रुकते हैं और अपने कैमरे में फ़ोटो को कैप्चर करके घर ले जाते हैं, उनकी इस मेहनत और इस कड़ी मेहनत की खासियत है, जो कि आज हम लोग इस रास्ते को देखने के लिए आए हैं। तो जैसे इस बिहार के लाल किले लोग प्यार करते हैं, ये है उनका स्थान दिया गया है जो कि, और ये है उनका प्रतिमा दशरथ मांझी जी का। अभी हम लोग अभी फिलहाल चलेंगे उनका घर, और घर जाने के बाद दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं दशरथ मांझी का घर दोस्तों, और अभी चलिए चलते हैं जल्दी से, और काफ़ी लेट भी होगी। और आज हम लोग को यहाँ दिया गया, पहले दूर क्या जगह तो नहीं बोला, वहाँ पर था पहले, इधर उनको जमीन सरकार ने जमीन दिया, यहाँ पर उनको रहने के लिए दिया, तो अब लोग अब यहीं पर रहते हैं। दोस्तों हम लोग दशरथ मांझी जी का घर पास पहुँच गए हैं, और सामने उनका प्रतिमा लगा हुआ है। स्मारक वहाँ है, हाँ हाँ हम लोग तो उधर से आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, विकलांग है पैर से, तो यही है प्यारा सबू जो कि हम लोग घूमने के लिए आए थे, हम लोग बिहार खास करके, और हमने तो आप लोग मतलब के गो हुए उनके फैमिली में, ये उनका के कितना बच्चा है, किसका उनका नाती नाती में है ना, तीन को तीन है ना, तो यहाँ पर कितने पढ़ रहा है पहले तो नहीं है सब कुछ भुआ सागे का चाची भुआ का नहीं है खेसारी ए खेसारी है ये तो चना है जान दो चना तो सकता है का बाबू
अच्छा, ये खेसारी के साग है? नहीं, भतुआ के साग एक बार सुने थे हम, हमको लगा वो ही है। हाँ, आगे तापने के लिए बर्सी बनाया जाता है। एक बर्सी में तो कहीं लगता है कि वो चीज हम और हम लोग ये सब देखते हैं, अपने आप को लगता है कि हम ही वो सब कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो चीज कभी छोड़ नहीं सकते अपने आप को। तो उसी लिए खास कर उतना दूर से आए इधर घूमने के लिए, यहाँ घूमने के लिए। तो यही बात है, अभी हम लोग आए थे यहाँ पे दशरथ मांझी जी का घर पे, बट यहाँ पे उनकी बेटी का जो बेटी लोग है वो लोग यहाँ पे रहती थी, अभी उनसे तो मिल ही लिए। और उनका जो बेटा का जो है वो आगे रहेंगे ना, आगे हुए। अच्छा, आप लोग दशरथ मांझी का नाती हुए, तो इन लोग से भी हम लोग मिल लिए, अभी जा रहे हैं उनसे भी देखते हैं, तो मिल लेते हैं। आप लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल उनसे भी हम लोग मिल ही लेते हैं, अगर मौका मिले, कहीं मिल गए तो। जैसे बोले कि इनके मामा जी वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, रहते हैं बहुत कम से, जहाँ पे स्मारक बने हुए ना वहीं पे उनके मामा जी रहते हैं, तभी हम लोग वहीं पे। बेटी बेटी का बेटा लोग रहते थे, अभी यहाँ पे वो दशरथ मांझी जी का जो बेटा है उनका घर आया है, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मृति भवन गोहलोर गया। तो अभी हम लोग इस जगह पे आए हुए हैं दोस्तों, देखते हैं वो उनसे मुलाकात हो पाती है कि नहीं। अगर मुलाकात हो जाती है हमारी नसीब भाई, क्या है कि इतने दूर से चल के आए हैं। इनका जो खेती है, देखिए आलू वगैरह बोए हुए हैं और यहीं से खेती वगैरह करके थोड़ा बहुत अपना पेट पालते हैं। आप लोग कितना भाई बहन? इस घर में इस बच्ची का बड़ी बहन रह रही जो कि खाना बना रही है, तो अभी जा रहे हैं उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। बाहर आइए, क्या नाम है बाबू? मीठा कुमारी। चलो हमारे साथ जाओगे? चलो यहाँ पे दुकान का बहन को पैसा दिए, मम्मी को दे दीजिएगा, ठीक है? चलो तुम लोग सबको ड्रेस खरीद देंगे सब। चलो, कहाँ दुकान है सामने? कपड़ा दुकान का है, ज्यादा दूर है। अब चलो गाड़ी से ले जाएंगे। तो अभी बच्चे लोग का सोच रहे थे कि कपड़ा वगैरह दिलाने के लिए, सनातन भाई सोच रहे हैं दिलाने के लिए, तो अभी लोग को हम लोग अपने गाड़ी में ले जाके मार्केट में कपड़ा वगैरह ले देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी चलिए दोस्तों दुकान लेके जाते हैं, सबको कपड़ा वगैरह दिला के लाते हैं। आप और आप ही कहाँ बाजार से लाते होंगे ना? दया संदीप छोटा साइज इसका है, सबसे छोटा इसको दीजिए। और ये वाला बड़ी इधर आइए बाबू, बाबू इधर आ, इधर आ। ये रोटी जलेगा रे, रोटी उतार के आपका बोले ना। अगर छोटा होगा ना आपका कपड़ा, तो दीदी लोग बहन लोग देखिए बोल लेके जाइए, दुकान वाला को बोल दिया अगर छोटा होगा तो चेंज कर देंगे। अगर छोटा बड़ा जो होगा ना चेंज करवा देंगे। बाय बाबू, बाय कर दो। अभी हम लोग यहाँ से अब अपने घर की ओर निकलेंगे, और अब जाके दोस्तों बढ़िया सा खाना मिला। उतना दिन से हम लोगों को रेस्टोरेंट का खाना खा खा के एकदम बोर हो गए हैं, आज जाके पूरा मस्त देसी वाला रोटी और मुर्गा मिला है दोस्तों खाने के लिए। खाना वगैरह खा लिए और अब यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे घर की ओर। और अभी हम लोग है नवादा में, और इधर से निकल जाएंगे नेशनल हाईवे होते हुए गया होते हुए निकलेंगे अपना घर धनबाद। अपना घर तो फिलहाल आज तो नहीं जा पाऊंगा, फिलहाल जाऊंगा सनातन भाई का घर और वहां पे उन लोग को छोड़ूंगा, उसके बाद में अपना घर जाऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, अभी उनको घर छोड़ना है, उसके बाद आगे का सीन। तो अभी दोस्तों आते आते रास्ते पे रुके हुए थे, और अभी यहां से घर के लिए खीर मोहन ले रहे हैं, क्या है कि यहां का फेमस खीर मोहन है, फिलहाल ले लेते हैं खीर मोहन और चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग गए रात को 12 बजे सनातन भाई के घर पे पहुंच गए हैं, और अभी यहां से
मैं अपने रूम पे जाऊंगा और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।